ये है ईजा। ईजा धो रही है कपड़े और बॉबी भी धो रही है कपड़े। बॉबी आप कपड़े धो रहे हो? नहीं, मैं ये क्या मजाक था। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। आई होप गाइज यू आर डूइंग वेल और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइज, हम कल रात 8 या 9 बजे हम दिल्ली पहुँच गए थे, मैं और बॉबी। और अभी जस्ट मैं उठा और फटाफट मुंह हाथ वगैरह धोया हूँ अभी, और मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि बॉबी और ईजा क्या कर रही है। कपड़े हैं इतने सारे, वो धो रही है दोनों। तो तब तक आप मेरे व्लॉग बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ईजा। ईजा धो रही है कपड़े और बॉबी भी धो रही है कपड़े। बॉबी आप कपड़े धो रहे हो? नहीं, ये क्या मजाक था। और आप क्यों हंस रहे हो भाई, क्या मजाक था ये? अच्छा, इतने सारे कपड़े थे हमारे, बाप रे बाप। और ये गाइस देखिए हमारा, अभी कितने कपड़े धुलने हैं। ये देखो हमारे क्यूटी पाई। ये क्यूटी पाई को कोई मतलब नहीं है, कौन क्या हो रहा है क्या नहीं है, कोई वो नहीं है। अरे क्यूटी पाई, बड़ा मिस कर रहा था तूने मेरे को, हैं? अरे सिमली, अभी ये कपड़े धुलने हैं सारे। और ये अभी धुल रहे हैं इसमें कुछ, ये देखो। और ये भी धुल रहे हैं। और अभी ये भी धुल रहे हैं। सारे धुल रहे हैं। और क्या धुलना है? अब बॉबी अंदर धो रही है, अभी चादर भी धुल रहे हैं। और पूरा दिन भर आज धुलने का काम है कपड़े। नाश्ता बनाओ, झाड़ू करो, पोछा करो, खाना बनाओ, पूरा दिन आज बीत जाता है। सही बात है। ओके, हाँ मैं भी लाओ दो। ये इतना शरारती है ना, ये काटने में लगा हुआ है। नहीं नहीं, गंदी बात, जब देखो बस हर एक चीज़ काटने में लगा रहता है, कुछ काम नहीं है। हैं सिम्बा? नहीं भाई, जब ईजा इसमें कपड़े सुखा रही है, ये देखिए ये डाल दिए इसमें, और इतने सारे भी और हैं। ये एक बार में सूख जाएंगे सारे, इतने सारे इसे ज्यादा नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आएंगे? और आएंगे। व्हाइट शर्ट भी इसी में डाल रहे हो? हो गया फुल, मम्मी हो गया, हो गया। आप कितना इसमें डालोगे? नहीं इसमें डाल दूंगी, अभी बाद में सुखाऊंगी। बाकी अभी इसमें है, हुआ नहीं शायद, लग रहा है हो गया। क्या बात है गाइस, देखिए ईजा। तो गाइस ईजा ने सुखाने के लिए डाल दिया है और ये ऑन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कैसे हिल रहा है, पूरा हिल रहा है गाइस, ये देखिए। बॉबी मार रही है पोछा, यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है बड़े मजे से। तो गाइस मम्मी कपड़ों को खगाल रही है, ठीक है। अभी कितने और हैं? अभी और धुल रहे हैं। कहाँ पर है ये धुल रहे हैं ना मशीन में? अच्छा, ये धुल रहे हैं, ये तीन बार धुल रहे हैं। ओके ठीक है गाइस, मैं अभी ये खा रहा था विक्स, और सिम्बा देखो मेरे को कैसे देख रहा है। आएगा? ये तेरे खाने की चीज नहीं है बाबू, ये विक्स है, इसे मैं खाऊंगा, तुम नहीं खाओगे पाओगे, ठीक है बाबू। मेरे घूलू बाबू है ये। सिमली, हर चीज़ खाने की नहीं होती बाबू, हर चीज़ खाने की नहीं होती। गाइस अब मैं जाता हूँ नहाने, तो तब तक आप मेरे ब्लॉग बने रहे, फिर मैं आपको नहाने के बाद में बताता हूँ। गाइस फाइनली मैंने नहा लिया है और मैं कितना काला हो चुका हूँ देखो आप। अब कम से कम गोरा होने में 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगेंगे मेरे को। सिमली कहाँ कर ला बाबू, यहाँ पे फ्रिज के सामने बैठ के। तो गाइस बॉबी बना रही है पास्ता, देखिए इसने मसाले वगैरह डाल दिए बढ़िया बढ़िया, और ये डाल दिया पास्ता, बहुत टेस्टी बना दी हमारी बॉबी, है ना बच्चा, टेस्टी बना देना। देखिए गाइस फाइनली लास्ट कोट लगाएंगे भी एक, और ऐसे ही फ्राई करेंगे लास्ट।
मुंह में देख के तो गाइस मुंह में पानी आ रहा है, इतना स्पाइसी बना, इतना चटपटा बनाया है मेरी बॉबी ने। सो गाइस बॉबी इसे मिक्स कर रही है बढ़िया करके, देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। ये है मेरा। तो गाइस मम्मी बना रही है मिर्च का अचार, कड़ा लो मम्मी से मसाले। हाँ कुछ नहीं कर रही दोनों। हाँ ठीक है, ओए पीछे जा, इसको देखो गाइस ये भी मिर्च के अचार बनाने के लिए बैठा पड़ा है। जीप क्यों निकाली, अंदर डाल उसको। कैसी है अचार गाइस? इसमें मसाले मम्मी के, इसमें कौन से वाले मसाले हैं? सीक्रेट मसाले। इसमें है मेथी, सौंफ, सरसों, सब मिक्स। मम्मी ने इसमें सीक्रेट मसाले बना रखे हैं, पिछली बार तो टेस्टी बनाया था हमने, इस बार भी टेस्टी बनाना है। कैसा होगा इस बार? अच्छा होगा, पिछली बार तो टेस्टी हुआ था। देखते हैं कैसा होता है। गाइस दे देखो पापा परेशान कर रहे हैं मम्मी को। डाल दिया नमक। अब इसमें डालूंगी कलौंजी और अजवाइन। अच्छा। और इसमें डालूंगी नींबू, सिरका तो है नहीं, सिरका के इसमें नींबू डाल लो। ओए इधर आ तू, सारे बाल उड़ा देगा मिर्च में, ये देखो उसको। हट यहां से, हट हट यहां से, चल चल, तू बनाएगा क्या? सागर सागर इसको बुलाओ तो। जा 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 अंदर, जा जा केला खाएगा, जा जा ले नींबू खा ले, तब भी खा ले नींबू। भगवान से नींबू भी खाता है, खद्दू है एक नंबर गए। नींबू लेके भाग गया हो वहाँ। बैठ के खाएगा आराम से, ये करेगा सिरके का काम। विनीगर भी डालते हैं इसमें, विनीगर जो चाउमीन वगैरह में डालते हैं, विनीगर सिरका सिरका वही होता है। हाँ विनीगर ही होता है, अभी वो है नहीं ना, तभी तो मैं नींबू डाल रही हूँ। इसमें ऐड करूंगी चार नींबू, कांजी नींबू। पिछले बार को नींबू डाला नहीं था, फिर भी फालतू हुआ था, पता नहीं। बहुत टेस्टी हुआ था पिछली बार तो, सारा खत्म कर दिया हमने, दो डब्बे बनाए थे पूरे, दो दो किलो वाले। तो गाइस मिर्च लेके आए हम पहाड़ से, पहाड़ी मिर्च है, उसको बनाते हैं मस्त अचार। फिर जब बन जाएगा उसके बाद दिखाएंगे आपको, जब पूरा अच्छे से रेडी हो जाएगा सुखा के धूप में। नींबू खा रहे वहाँ पे बैठ के, नींबू भी खाता है गाइस। हमारा सिम्बा नींबू खाता है, बताना आपका भी डॉग नींबू खाता है कि नहीं? नींबू खाता है, लौकी के छिक्कर, आलू के छिक्कर, कद्दू, केला, केला तो है, केला का तो फैन है बिल्कुल। नींबू भी खा रहा हो और छोड़ो तुम। ये दो डब्बों में कम हो जाएगा मम्मी, ये डब्बे एक और है उधर वो बना। अब तो बड़े डब्बे में डाल दो, पहले दो का करते ना, उसमें भी डालते हैं ना, जैसे जिस जिसमें सिम्बा के बिस्किट रखे हैं उसमें बिस्किट रखा है। छोटे डब्बे में डालो, फिर निकालने भी अच्छा होगा ना छोटे छोटे डब्बों से। देखो इस पापा गए अपनी पोटली लेके, अभी इनको फीवर आ रहा था, पोटली लेके चले गए। अभी इनको बुखार आया था, इनका बुखार ठीक हो गया है, ठीक नहीं हुए ऐसे गए हो पोटली लेके। अभी हमने कपड़े तय करने हैं, तेल डालना है। ये फिर आ गया नींबू खाने चोरी। हट जा हट जा हट जा,
चोर को देखो ये नींबू खाने आ गए। झाड़ू एक ही लेके जा, एक पकड़। इधर इधर से हट जा, इधर से हट जा। चल लेके जाओ उधर। मिर्ची बड़ी तीखी है। सिम्बा प्रेग्नेंट तो नहीं है? नींबू खा रहा है। नींबू नहीं खाएगा, इसको खाना नहीं मिल रहा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे हमने खाने ही नहीं दे रखे। अब उसमें क्या डाल लो? सरसों का तेल। सरसों का तेल देखो ऐसे नींबू खाते हैं। खा ले खा ले खा ले, खा नींबू खा। जी क्या अच्छा लग रहा है नींबू। गधा है तू, गधा एक गधे। नींबू कौन खाता है? हो रहे ना मसाले। इसमें हो रहे हैं मसाले मिक्स, तेल भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अचार वाला मसाला भी डाल दिया। ला तो अचार वाला मसाला है, ये तो देना। पर ये आम का मसाला है, कोई बात नहीं। मसाला मसाला गाइस, हम आम वाला, आम क्या है, अचार मसाला, आम अचार मसाला है। इसको हम डाल लें मिर्च वाले मसाले में। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये अचार का, आम का है मसाला, आम अचार। सब तेरे को चाहिए होता है। इस बार इसमें नींबू भी डाल दिया है, आम का मसाला भी डाल दिया, आम अचार वाला। तुम्हारा सिंपल प्रेग्नेंट है। खट्टा रहा। कैसा है ये चीज भी खाता है? सिंबा लकी ला खाएगा। अच्छा लग रहा है खट्टा खट्टा। क्या आपका डॉग भी खट्टा खाता है? नींबू खाता है? पहली बार देख रही हूँ मैं तो डॉग को खट्टा खाते हुए। तो गाइस मम्मी अब इसमें डाल रही है, अचार बन चुका है मिर्ची का। और अभी तक बॉबी ब्लॉग कर रही थी, अब थोड़ा मैं कर रहा हूँ, तो हम दोनों मिल बांट के ब्लॉग करते हैं गाइस। देखिए कितना अच्छा लग रहा है स्वादिष्ट। तो गाइस दो डब्बा मिर्ची का अचार पैक हो चुका है हमारा, मस्त बन गया है। देखो देख के मुंह में पानी आ रहा है, अच्छा बना है मम्मी।
वाओ देखते हैं। ये बन गया मिर्च का अचार। अब इसको 12 दिन धूप में रखूंगी कपड़ा बांध के, उसके बाद इसका टेस्ट का पता लगेगा ठीक कैसा हो रहा है। अच्छा, तो मैंने मसाले मुसले भर के रख दिए डिब्बे में। अच्छा, बाद में पता लगेगा कैसा हो रहा है। अच्छा, हफ्ते बाद उसको चेक करूंगी कि इसका टेस्ट कैसा हो रहा है। ठीक है, ओके ओके जी, ओके बाय बाय बाय। तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ले, तब के लिए बाय बाय। और आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और हमारे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।